हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम इसकी जो वीडियो है आज हम बताने वाले हैं इसमें आपको कि आपको ऐसे कौन से अंग हैं जिनमें सूजन रहती है। बहुत ज़्यादा सूजन अगर आपको आ रही है और किस महीने से आ रही है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपकी जो आने वाली संतान है वो एक बेटा होगा। दोस्तों, ये लक्षण बहुत ही सही साबित होते हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि आप अपनी जिज्ञासा और उत्सुकता को कम कर सकें। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं इन लक्षणों के बारे में। ऐसे कौन से अंग हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और आप जिनसे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपकी जो आने वाली संतान है वो एक लड़का ही होगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ मेरी आने वाली एक और नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो इसमें डालते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो लक्षण है वो है अगर आपके होंठ बहुत ज़्यादा सूजे से रहते हैं, मोटे मोटे से रहते हैं और फटे फटे से भी रहते हैं। आप ज़रा सा उन पर से कुछ निकाल लेती हो, कोई खाल सी जैसे होती है वो उसको निकाल लेती हो, पपड़ी सी पड़ जाती है और फिर वो सूज भी जाते हैं। दोस्तों, ये लड़का होने की निशानी मानी जाती है। दूसरे सिम्टम्स की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको चौथे महीने से आपके पैरों में स्वेलिंग रहती है और सातवें, आठवें, नौवें महीने पर पैरों की स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पैरों में आपको कालापन भी नज़र आता है, चेंज नज़र आता है, तो दोस्तों ये बेटा होने की निशानी मानी जाती है। ऐसी स्थिति में आपने एक लड़के को ही कंसीव किया हुआ है। तीसरे लक्षण की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जो हथेली है वो आपको एकदम आपको सूजी सी लग रही है, आपने देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा नॉर्मल कैसी रहती हैं, और सूजन जब हो जाती है तो खुजाने से ही बहुत ज़्यादा सूजन सी भी बढ़ जाती है। दोस्तों, बहुत मोटी मोटी सी हो जाती हैं, तो ये लड़का होने की निशानी मानी जाती है। ठीक इसके अपोजिट अगर ऐसा नहीं है कुछ भी, तो ये लड़की होने की निशानी मानी जाती है। तीसरे लक्षण की बात करते हैं। दोस्तों, वह है आपकी आँख। अगर आँख आपकी बहुत ज़्यादा भारी भारी लगती हैं और पलक बहुत ज़्यादा सूजे से रहते हैं, हमेशा ऐसे लगते हैं जैसे आप सोकर उठे हो अभी, इस तरीके से रहते हैं, तो दोस्तों ये लड़का होने की ही निशानी मानी जाती है। अगर ऐसा आपकी आँखों में कोई बदलाव नहीं आता, सूजन नहीं है, तो ये लड़की होने की निशानी मानी जाती है। अगले लक्षण की बात करते हैं। दोस्तों, वो है आपका फेस। अगर आपका फेस सूजा भड़का सा लगता है, आपको मोटा मोटा सा लगता है, आपको वो भी सातवें, आठवें, नौवें महीने पर, इन महीनों में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सूज रहा है या हमारे मुंह पे जैसे सूजापन आ गया है, भड़कामन आ गई, जैसे कोई मधुमक्खी वगैरह खा जाती है, कई बार सूज जाता है, तो ये लड़का होने की निशानी मानी जाती है। ऐसी स्थिति में आपने एक बेटे को ही कंसीव किया हुआ है। अगले लक्षण की बात करते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई सूजन आपके इन अंगों में आती है तो लड़का ही होता है। एक लक्षण की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत ही जो सटीक है, जो मेरे ऊपर सही साबित हुआ था, अगर आपकी जो गला है उसमें वॉइस जैसी आवाज़ हो गई है, आपकी आवाज़ में चेंज आ गया है बहुत ज़्यादा, और आपको ये चौथे महीने से ही देखने को मिल जाएगी, तो कहते हैं वॉइस जैसी आवाज़ हो जाती है लड़कों जैसी, तो दोस्तों ये ऐसा माना जाता है कि लड़का होने का ही लक्षण होता है। जो सिम्टम्स हम बता रहे हैं ये बिल्कुल सही साबित भी होता है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, अवश्य ही लिखें।